हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जवाहर नवोदय विद्यालय शिवसागर असम से विष्णु प्रसाद नायक, टीजीटी हिंदी। आज की हमारी क्लास है कक्षा 8 की, विषय हिंदी, पुस्तक दुर्वा, पाठ 9, एक खिलाड़ी की कुछ यादें। इस पाठ के लेखक हैं श्री केशव दत्त। इनका जन्म 21 दिसंबर 1925 लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ये सन 1948 और 1952 ईस्वी में हॉकी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं और ये हॉकी के साथ साथ बैडमिंटन में भी चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं। इस पाठ में एक खिलाड़ी को खेल किस कदर प्रभावित करता है, साथ ही अच्छा खिलाड़ी खेल को किस तरह पहचान दिलाता है, यह बात बताई गई है। और लेखक ने खेल के बारे में अपने विचार बताए हैं, अर्थात और साथ में वर्तमान और आज़ादी के समय में खेलों की स्थिति पर विचार किया गया है। साथ ही भारत की व्यक्तिगत टीम और टीम खेल के रूप में किस तरह से प्रदर्शन खेलों में भारत कर रहा है और खेलों के सुधार हेतु कुछ सुझाव और जागरूकता का प्रयास लेखक ने किया है, क्योंकि लेखक भी खुद खिलाड़ी हैं, इसलिए खेलों में आने वाली चुनौती और समस्याओं को हमारे सामने बताने की कोशिश की है। एक खिलाड़ी की कुछ यादें। 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ। लाहौर को याद करना चाहता हूँ जब मैं बैडमिंटन चैंपियन था। स्कूल ग्राउंड में एक दिन ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा, उसके बाद मैं हॉकी का ही होकर रह गया। यह बताता है कि एक बड़े खिलाड़ी को देखना आप पर कितना असर डालता है। अर्थात यहाँ पे ध्यान जो केशव दत्त जी कहना चाह रहे हैं कि 60 साल पहले की बात को से पहले मैं कुछ और पहले की बात जानना चाहता हूँ कि मैं लाहौर में था, तब मैं बैडमिंटन चैंपियन था और स्कूल के समय में एक दिन जब ध्यानचंद जी को हॉकी खेलते देखा तो उस दिन से मैं हॉकी का ही होकर रह गया। लेखक खुद बैडमिंटन खिलाड़ी थे, लेकिन जैसे ध्यानचंद जी को हॉकी खेलते देखा तो उनका हॉकी के प्रति रुझान बढ़ा और भविष्य में जाकर ये विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे। और इस बात से इन्होंने बताया कि एक बड़े खिलाड़ी को जब किसी खेल को देखते हैं तो उसको देखकर ही कई लोग उस खेल के प्रति दीवानगी पैदा कर लेते हैं, अपने आप को उस खेल का जुनून बना लेते हैं। आगे बता रहे हैं, सन 1948 में ओलंपिक से पहले हालात खराब थे, हमें लाहौर से भी भागना पड़ा था। किसी तरह बंबई में कैंप लगा, सब कुछ बिखरा हुआ था। हमारी टीम में कोई घर ऐसा नहीं था जहां कोई ट्रेजेडी ना हुई हो। खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी पर था, क्योंकि उस समय देश का बंटवारा हुआ था तो उन्हें लाहौर से भी भागना पड़ा था, क्योंकि उस समय काफी दंगे का माहौल था, सुरक्षा की कमी थी और सुरक्षा का सबसे बड़ा डर रहता था, जान का खतरा था। फिर वो वहां से लंदन पहुंचे और वहां भी विश्व युद्ध के बाद हालात सही नहीं थे। 1939 से 43-44 तक विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध चला था। उस समय के बाद की स्थितियां इतनी आसानी से सही नहीं हो पाई थी और शहर संभल नहीं पाया था। बिल्डिंग में गोलियों के निशान तब भी दिखाई दे रहे थे। ओलंपिक ड्रा निकला, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हाफ में थे, मतलब अलग अलग समूह में भारत और पाकिस्तान को रखा गया था। हॉकी का जो समूह बना था, सबको यही लग रहा था कि दोनों मुल्क फाइनल में खेलेंगे। सेमीफाइनल में एक दिन हमें हॉलैंड और पाकिस्तान को इंग्लैंड से खेलना था और मैच था वेम्बली स्टेडियम, जहां आम तौर पर फुटबॉल का मैच होता था। बारिश के बीच हम बड़ी मुश्किल से हॉलैंड को 2-1 से हरा पाए। जो सेमीफाइनल का मैच था, भारत का हॉलैंड से था और पाकिस्तान का इंग्लैंड से था। भारत का जो मैच था हॉलैंड के साथ, बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे भारतीय, क्योंकि उस समय बारिश भी हो गई थी और मुश्किल से 2-1 से भारत ने हॉलैंड को हराया। इसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। वहां पर क्वीन मौजूद थी और फाइनल मैच में हमने इंग्लैंड को 4-0 से हरा दिया। हमारी टीम में उस समय, उस जीत के समय, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। खुशी के आंसू थे, गर्व के आंसू थे, क्योंकि उसी मुल्क में आकर हम जीते थे जिस मुल्क ने हम पर राज किया था। उसी के घर में हमने उनको हराया था जिन्होंने हम पर राज किया था। पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जन गण मन बजा था। हमें गर्व है कि यह सब इंग्लैंड में हुआ और इससे बड़ा लम्हा हम लोगों के लिए और कोई नहीं हो सकता था। सारे दुख दर्द भूल गए थे। आजाद भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि वह क्या कर सकता है। लेकिन
तब की स्थिति और वर्तमान स्थिति की तुलना करते हुए लेखक बता रहे हैं कि मुझे अफसोस है उसके बाद हॉकी का स्तर गिर गया है। उस समय विश्व विजेता टीम थी और सिर्फ हॉकी ही नहीं अन्य खेलों में भी गिरावट आई है। कुल मिलाकर टीम गेम की हालत खराब, भारत में जो टीम खेल की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं रही है। व्यक्तिगत खेलों में भारत ने कुछ जरूर तरक्की की है, शतरंज में जैसे विश्वनाथन आनंद है, टेनिस में सानिया मिर्जा है, लेकिन उन्हें ऊपर लाने में कोई सिस्टम काम नहीं है, अर्थात हमारी सरकारी मशीनरी खेलों को ऊपर लाने में कामयाब नहीं हो पाई है। यह उनकी अपनी मेहनत रही है और उनके परिवार का सपोर्ट रहा है। और यहाँ पर लेखक बता रहे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिस्टम गड़बड़ है, हमारी व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है, इस वजह से खेलों की स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है। इसे ठीक करना पड़ेगा, बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेगी खेलों के लिए, और हॉकी खेलने के लिए सिंथेटिक टर्फ होना जरूरी है जो हमारे मुल्क में नहीं, अर्थात मजबूत सख्त मैदान होने जरूरी है जो हमारे देश में इस तरह के मैदानों का अभाव है। तो हम टीम गेम की जो स्थिति है हमारे देश की वो विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अंग्रेजों के समय में एक अच्छी बात बता रहे हैं लेखक कि हर स्कूल में उस समय खेल जरूरी था, तब खेलना उतना ही जरूरी था जितना पढ़ना, लेकिन अब समय बदल गया है, अब हम खेल से ज्यादा पढ़ाई पर अहमियत दे रहे हैं, खेलों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ बदलाव है लेकिन खेल की जो खास जगह होनी है वो जगह अभी नहीं मिल पाई है। हर स्कूल में मैदान जरूरी है, आबादी के साथ खेल की जगह कम होती जा रही है। हमारे समय में कोचिंग आज जैसी नहीं होती थी, जैसे आजकल हम देखते हैं कई सारी टीम के कोच होते हैं, तो उस समय टीम के साथ कोच नहीं हुआ करते थे और सीनियर खिलाड़ी एक तरह से टीम के कोच होते थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोचिंग और तकनीक के इस्तेमाल का हमें ज्यादा फायदा हुआ है, ऐसा नहीं लेकिन फिर भी कुछ तकनीकी फायदा हुआ है। लेखक का मानना है कि खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है, टीम जीत के लिए कोच से ज्यादा खिलाड़ियों में जीत का जज्बा होना जरूरी है, लेकिन आज हम देखते हैं ज्यादातर खिलाड़ी व्यावसायिक रूप से ज्यादा रुचि रखने लग गए हैं और खेल या टीम या देश के प्रति जो भावना है वो उस समय थी वो अब दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, भारत ने शूटिंग यानी निशानेबाजी के खेल में तरक्की की है और क्रिकेट में भी कुछ सफलताएं मिली है, लेकिन 60 साल से हम हॉकी सहित बाकी खेलों में पिछड़े हैं, जिनमें सबसे आगे थे, सबसे आगे आए हैं, वहां सबसे आगे नहीं है। अर्थात हमारी 60 सालों में आजादी के बाद की जो स्थिति बताई गई है लेखक के अनुसार, वो हॉकी के खेल में जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, कारण कि उस समय हम हॉकी में आजादी के समय से ही, आजादी के तुरंत बाद हम विश्व विजेता रहे, तो सोचिए उस समय हमारे खेलों का एक स्वर्णिम काल कहा जाता था ध्यानचंद के समय, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में हॉकी में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जो सफलता आशानुरूप मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लेखक ने यहाँ यही कहना चाहा है कि हमारे देश में जो खेलों की स्थिति है उसके लिए बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है और उसके लिए सरकारी प्रयास करने होंगे और एक संगठनात्मक रूप से पूरे एक राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे विशेष प्रयास करने से ही हमारा देश और देश के विभिन्न राज्य खेलों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते, अच्छा स्तर प्राप्त कर सकते हैं। केशव दत्त जी भी खुद एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में से रहे हैं और ये पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1948 और 1952 की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे और वर्तमान में ये कोलकाता में रह रहे हैं। और इस पाठ के माध्यम से हम यही खेलों में, विद्यालयों में या हमारे जीवन में रुचि जगाने की कोशिश करनी चाहिए और हम अब खेलों को हमारे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।